welcome back to Knowledge Associates. आज हम देखेंगे how to search for online cases in relation to consumer. Consumer disputes के लिए हमको case search कैसे करनी है, case details कैसे ढूंढनी है और उनके judgments कैसे ढूंढनी है, ये सारी चीज़ें आज की date में National Consumer Commission द्वारा online provide करी जा चुकी हैं. It's just that people are not aware about it. तो हम उन details को देखेंगे और ये देखेंगे कि कैसे वो details search करी जा सकती हैं, कैसे वो हमारे को मिलेंगी. ताई चले चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे. NCDRC टाइप करते ही जो पहला ऑप्शन मिलेगा दैट इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन दैट इज ncdrc.nic.in. हम इस लिंक पे क्लिक कर देते हैं. यहाँ पे हमको ऑप्शन दिख रहे हैं, होम, कमीशन, कॉज लिस्ट, केस स्टेटस, जजमेंट, डिस्प्ले बोर्ड, फोरम्स, एक्ट्स. आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कॉज लिस्ट, केस स्टेटस एंड जजमेंट. तो पहले हम कॉज लिस्ट पे रेफर करते हैं. कॉज लिस्ट को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया है इस वेबसाइट में, दैट इज NCDRC कॉज लिस्ट एंड सर्किट बेंच. सर्किट बेंच की कॉज लिस्ट वही कॉज लिस्ट होगी जिसमें कि जिन पर्टिकुलर लोकेशन पे उस टाइम के दौरान सर्किट बेंचेस चल रही होंगी. और इनको यहाँ पे हमको देखना, सपोज करिए 20 जनवरी 2020 को चंडीगढ़ में सर्किट बेंच थी, इसकी हमको डेट की डिटेल्स चेक करनी है तो हम यहाँ पे PDF पे क्लिक करेंगे और अकॉर्डिंगली हमको बेंच की डिटेल्स और लिस्टिंग कॉज लिस्ट पूरी मिल जाएगी. यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं. सो इट्स वेरी इजी एंड कन्वीनियंट और कोई भी जना इस तरीके से डिटेल्स ले सकता है. अकॉर्डिंगली राजस्थान वाली बेंच की भी डिटेल है, इसमें से भी आपको किसी भी डेट की अगर कॉज लिस्ट व्यू करनी है आप देख सकते हैं. आप क्लिक करेंगे दैट विल बी ओके. तो अब हम इसको देखते हैं कि बाकी कॉज लिस्ट कहाँ पे. तो NCDRC कॉज लिस्ट पर अगर हम क्लिक करेंगे तो दिस इंक्लूड्स NCDRC की कॉज लिस्ट, स्टेट कमीशंस एंड डिस्ट्रिक्ट फोरम्स. तो हम अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अभी कोर्ट्स की छुट्टियां चल रही हैं इसलिए हम आज की या करंट फ्यूचर की डेट्स नहीं देखेंगे, हम थोड़े दिन पहले की डेट्स देख लेते हैं. We are switching to 2019 and or we can even shift to 2020 February. NCDRC cause list for NCDRC हम इसको सर्च कर देते हैं. ये हमको डिटेल्स दे रहा है 7 कोर्ट्स की. आप कंसोलिडेटेड देखना चाहते हैं आप कंसोलिडेटेड देख सकते हैं दैट बाय क्लिकिंग ऑन ऑल. अगर आपको स्पेसिफिक अपना कोर्ट का डेजिग्नेटेड एरिया मालूम है कि हाँ ठीक है आपकी आपका पर्टिकुलर मैटर कौन सी बेंच में लगेगा तो आप उस बेंच की कॉज लिस्ट को भी क्लिक कर सकते हैं. हम ऑल पे क्लिक कर दे रहे हैं. सो अकॉर्डिंगली आपको सारी बेंच की कॉज लिस्ट मिल जाएगी और यहाँ पे आप अपना मैटर देख सकते हैं कि किस सीरियल नंबर पे लगा है. इट्स वेरी सिंपल. इसी तरीके से अगर हमको किसी कमीशन की कॉज लिस्ट देखनी है तो हम उस पर्टिकुलर कमीशन पे आ जाते हैं. फॉर एन इंस्टेंस हम उत्तर प्रदेश देख लेते हैं. उत्तर प्रदेश में स्टेट कमीशन या फिर उनके डिस्ट्रिक्ट फोरम्स. नाउ दी ये जो ऊपर ऑप्शन है दिस इज फॉर स्टेट कमीशन और इसके नीचे सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट फोरम्स के हैं. ये डिस्ट्रिक्ट फोरम पे आप अगर पर्टिकुलर किसी आप सपोज करिए आप बदायूं में देखना चाहते हैं तो आप बदायूं क्लिक कर देंगे. अगर आपको लखनऊ की कॉज लिस्ट देखनी है तो आप लखनऊ पे क्लिक कर देंगे. लखनऊ को दो पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड कर रखा है दैट इज लखनऊ बेंच नंबर 1, लखनऊ बेंच नंबर 2. अकॉर्डिंगली हम बेंच नंबर 1 की कॉज लिस्ट देख सकते हैं. यस थैंक्स. एंड दिस इज वेरी कन्वीनियंट एंड ईजी फॉर कंज्यूमर्स एज वेल एज फॉर लिटिगेंट्स एंड स्टूडेंट्स. जो भी जाना इन चीज़ों के बारे में जानना चाहता है ये बहुत ही कन्वीनियंट कर रखा है कमीशन ने. ये सारी ही डिटेल्स उन्होंने ऑनलाइन प्रोवाइड कर रखी है. अकॉर्डिंगली अब हमने स्टेट कमीशन पे क्लिक कर दिया तो हमारे पास सारी बेंचेस की कमीशन की कॉज लिस्ट आ गई. फॉर इंस्टेंस हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे उस दिन बेंच नंबर 3 के मैटर्स के लिए इन्होंने नोटिस डाला हुआ है. तो हम अगर बेंच नंबर 1 के लिए देखें तो बेंच नंबर 1 में मैटर्स सुनने जा रहे थे लखनऊ में तो लखनऊ की बेंच नंबर 1 की कॉज लिस्ट ओपन हो गई. तो इसी तरीके से बाकी की लोकेशंस के भी आप कॉज लिस्ट देख सकते हैं. अकॉर्डिंगली केस स्टेटस को इस पर्टिकुलर वेबसाइट ने CMS ने दो तरीके से बांटा है, एक केस स्टेटस में और एक केस हिस्ट्री में.
पहले हम केस स्टेटस देख लेते हैं, उसके बाद हम केस हिस्ट्री भी डिस्कस कर लेंगे। केस स्टेटस में हमको हमारा कोर्ट मालूम होना चाहिए कि हमारा मैटर नेशनल कंज्यूमर में चल रहा है, स्टेट कमीशन में चल रहा है या डिस्ट्रिक्ट फोरम में चल रहा है। जिस भी पर्टिकुलर लोकेशन पे चल रहा है हम उसी पर्टिकुलर लोकेशन के हिसाब से डिटेल्स पुट इन करके फेच कर लेंगे। फॉर इंस्टेंस हम स्टेट कमीशन का मैटर ले लेते हैं। स्टेट कमीशन में विल गो इन फॉर उत्तर प्रदेश और यहाँ पे हम जो है डिटेल एक केस नंबर हम डाल के देखते हैं। फॉर इंस्टेंस हमने डाला अपील नंबर, फर्स्ट अपील 2004, तो ये हमको दिखा रहा है सॉरी नो डिटेल्स अवेलेबल प्लीज चेक केस नंबर। नाउ एफए हमने डाला था एज अ फर्स्ट अपील, 2004 वाज द ईयर एंड 1684 वाज द अपील नंबर। ये डिटेल फेचिंग करने के लिए यहाँ पे हेल्प में हम डालेंगे, तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि इस तरीके से आप सर्च करेंगे। तो अपील के लिए इन्होंने बोला कि आप एफ ए या ए दोनों ही चीज़ें करके देख सकते हैं, ऑप्शंस दे रखे हैं किस तरीके से करना है, तो हम इसको अमेंड कर देते हैं। हो सकता है ये डिटेल ऐसे हो, तो अकॉर्डिंगली हमको केस नंबर के हिसाब से पूरी डिटेल्स मिल गई है। यहाँ से हम पूरा का पूरा केस जो है इसको चेक भी कर सकते हैं कि कौन सी डेट पे क्या हुआ था इस केस के अंदर। जजमेंट्स, फाइनल ऑर्डर्स, प्रोसीडिंग्स सब चीज़ें इसमें हैं और सारी की सारी चीज़ें हाइपरलिंक्ड हैं। अगर कमीशन ने या कंसर्न कोर्ट ने या फोरम ने इसको अपडेट किया हुआ है तो वो आपको ऑर्डर्स भी देखने को मिल सकते हैं यहीं से। हमने जजमेंट पे क्लिक किया, इसका जजमेंट अपलोडेड है, ये फाइनल ऑर्डर भी इसका मतलब जजमेंट पूरा ऑनलाइन अवेलेबल है और इसका यहाँ पे प्रोसीडिंग्स भी हम देख लेते हैं। उस दिन 21/8 को प्रोसीडिंग्स में इन्होंने कुछ अपलोड नहीं किया, जजमेंट ही फाइनल ऑर्डर उसमें अपलोडेड है क्योंकि फाइनली डिस्पोज ऑफ मैटर है। नाउ फॉर एन इंस्टेंस हमारे पास ये डिटेल नहीं है, देन हाउ टू सर्च फॉर इट। तो हमको क्या करना होगा, जिस भी पर्टिकुलर ईयर में हमारा एक्सपेक्टेड केस है हम एडवांस सर्च उस केस को डिटेल को देख सकते हैं। एडवांस सर्च के थ्रू हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि सपोज करिए हमारे को 2019 में हमको लगता है कि हमारे अगेंस्ट केस फाइल हुआ था और ये हमारे अगेंस्ट 2019 की जनवरी 1st जनवरी से लेके 14 अप्रैल 2020 तक के बीच में कभी भी फाइल हुआ, मगर हमको एग्जैक्टली डेट नहीं मालूम कि किस दिन केस फाइल हुआ था, क्या प्रोसीडिंग हुई। तो अब हम इसको यहाँ पे केस नंबर फॉर एन इंस्टेंस अगर हमको मालूम है तो हम डाल के यहाँ पे डिटेल डाल के हम देख सकते हैं केस नंबर के अकॉर्डिंगली। अगर हमको ये मालूम है कि ठीक है कंप्लेनेंट की स्पेलिंग एक्चुअली में कैसी अपलोडेड है तो हम वहाँ से देख सकते हैं। अगर हमको ये मालूम है कि ठीक है किसके अगेंस्ट रिस्पॉन्डेंट के अगेंस्ट ये केस फाइल किया गया था उसकी डिटेल हमारे पास है तो हम उसका नाम मेंशन करके यहाँ पे केस फेच कर सकते हैं। उसी तरीके से एडवोकेट कंप्लेनेंट, एडवोकेट रिस्पॉन्डेंट, केस टाइप, कैटेगरी, अगर हमारे पास जनरल ये सारी डिटेल्स हमारी लैक कर रही हैं हमारे पास नहीं है तो हम एक केस टाइप वैल्यू लेंगे यहाँ से और यहाँ पे हम कंज्यूमर केस इनका मेंशन कर देते हैं और दूसरा लेते हैं हम यहाँ पे फिर से केस टाइप और हम इसमें फर्स्ट अपील मेंशन और ऑप्शंस में हम इधर ऑफ अबव करेंगे क्योंकि ऑल ऑफ अबव में वो हमारे को रिफाइंड सर्च दिखाएगा और इसमें जो है ये ज़्यादा ब्रॉड सर्च दिखाएगा। तो हमने इधर ऑफ अबव कर दिया और हमने डेटा फेच कर लिया। तो अब ये पूरी की पूरी कंज्यूमर कंप्लेंट्स और अपील्स का फर्स्ट अपील्स का डेटा लेके हमारे सामने इस वेबसाइट ने दे दिया। तो अकॉर्डिंगली आप अपना मैटर सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे मैटर में क्या चीज़ें चल रही। अब हम इसको ये कंसीडर करते हैं कि हमारे पास ये दोनों केस स्टेटस की डिटेल्स हो गई हैं, हमको केस हिस्ट्री में कैसे करना। केस हिस्ट्री में इंक्लूड करता है बेसिकली केस की डे टू डे हेयरिंग, हमें ऑर्डर वाइज भी दिखती है। तो हमने यहाँ पे एक स्टेट कमीशन का ही केस ले लिया जिसको हमने वहाँ पे भी रेफर किया था, हमने उसका नंबर डाला
एग्जैक्ट और यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया। तो यहाँ पे ये उनको डिटेल दे रहा है ऊपर। अब उनको हेयरिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हर डेट पे क्या ऑर्डर्स हुए थे या क्या चीज़ आई। तो आप देख सकते हैं अकॉर्डिंगली एक एक करके आप सारे ऑर्डर्स पढ़ सकते हैं कि डे टू डे बेसिस पे कोर्ट के अंदर क्या हो रहा था, कमीशन ने क्या क्या ऑर्डर्स पास किए थे, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है एंड अकॉर्डिंगली आप इसका प्रिंट ले सकते। देन देयर इज जजमेंट। सेम तरीके से अगर आपको डेट ऑफ फाइलिंग मालूम है या डेट ऑफ डिस्पोजल एग्जैक्ट मालूम है तो आप डेट ऑफ डिस्पोजल से ले सकते हैं, डेट ऑफ फाइलिंग से डेटा फेच कर सकते हैं। अगर आपको ये दोनों चीज़ें नहीं मालूम है तो हमको ये मालूम है, मुझे ये याद है कि जो मैटर हम रेफर कर रहे थे उसका 2018 में डिस्पोजल हुआ था, बट आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2018। मैंने एक साल के इसमें सर्च इसलिए करी है क्योंकि ये पर्टिकुलर वेब पेज 365 दिन से ऊपर का डेटा फेच नहीं करता। अब हमारे पास केस नंबर है उसका, अगर सपोज करिए हमारे पास केस नंबर नहीं होता तो हमारे कई ऑप्शंस हैं डेट केस जजमेंट फाइंड करने के लिए। हम फ्री टेक्स्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, जज के नाम के थ्रू कर सकते हैं, कंप्लेनेंट के नाम के, रिस्पोंडेंट, बिटवीन डेट, सेक्टर, देर आर वेरियस ऑप्शंस। हम इसमें फ्री टेक्स्ट ऑप्ट करते हैं। फ्री टेक्स्ट लेने के बाद हम सेम मैटर जो अभी हमने रेफर कर लिया था उसी को करते हैं। उसमें डॉक्टर होगी तो हमने इसको सर्च कर दिया। आप देख सकते हैं इट इज द सेम केस नंबर। हमने केस नंबर नहीं डाला था इस बार, हमने सिर्फ नाम से सर्च किया था और ये हमको सेम केस पे इसमें डेट ऑफ फाइलिंग, डेट ऑफ डिस्पोजल 21 अगस्त 2018 जो कि हमारे ही स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच का था। यहाँ से हम पीडीएफ फिर से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ हम इट इज द सेम केस। तो ये जजमेंट, ये ऑर्डर्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं, बट यस देयर इज अ पॉइंट टू रिमेंबर कि ये जजमेंट्स सब्स्टिट्यूट नहीं है सर्टिफाइड कॉपीज का। तो अगर आपको सर्टिफाइड कॉपीज ऑब्टेन करनी है तो आप कंसर्न कोर्ट से ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो फ्रेंड्स। आज हम लोगों ने देखा कि हमारे को कंज्यूमर कमीशन की डिटेल्स कैसे पता चलेंगी। इसी तरीके से हम बाकी के और भी वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम कोर्ट्स, वेरियस आरटीआईस, एफआईआर कैसे करनी है, क्या चीज़ें ऑनलाइन हो सकती हैं, उन सारी चीज़ों को हम धीरे धीरे करके आपके साथ शेयर करेंगे। सो काइंडली डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट टू आर वीडियोज़ एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आर चैनल।